हेलो, गुड आफ्टरनून, महिमा दिस साइड फ्रॉम फ्लिपकार्ट कैटर्स। एम आई स्पीकिंग टू द कंसेप्ट पर्सन ऑफ ईएनई वर्ल्ड। यस मैम, मैं बोल रहा हूँ। जी सर, सर अभी जो टिकट हमने डिस्कस किया है एंडिंग विद 5552, जी जैसे कि मैंने टीम से डिस्कस किया है सर, जो लॉजिस्टिक टीम से हमें पीओटी रिसीव हुई है उसी को हम सर फाइनल प्रूफ ऑफ डिलीवरी मानेंगे सर। मैम, प्रूफ ऑफ डिलीवरी का मतलब क्या होता है मैम? सर उसका प्रूफ कि वो आपको डिलीवर्ड है। तो उस प्रूफ के किसको बोलते हैं मैम? मैं आपसे 1 लाख रुपया लूंगा तो आप प्रूफ किस चीज को मांगेंगी? जिस पे आपका सिग्नेचर होगा 1 लाख रुपया, उसी को ना? डेफिनेटली सर, तो मैम उसमें मेरा सिग्नेचर कहाँ है मैम? आप दिखा दीजिए मेरा सिग्नेचर। मेरा क्या, एक किसी भी इंसान का सिग्नेचर उस पर दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा कि वो प्रूफ ऑफ डिलीवरी है। पर सर जैसे कि हमने लॉजिस्टिक टीम को जब रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हमें यही बताया है कि वो गजब जो हाल मैम, आप खुद सोचिए मैम, कॉमन सेंस वाली बात है मैम। मैं आपसे कुछ भी मांगूंगा, आप कुछ भी दे देंगे, मैं कहूंगा वाह मिल गया मुझे। ये ऐसे थोड़ी होता है, जो मांगूंगा वही ना दीजिएगा आप। उसमें मेरा कहीं सिग्नेचर है तो आप बता दीजिए। मेरा क्या, किसी भी एक पर्सन का सिग्नेचर है तो बता दीजिए, जहाँ पे मेरा एक नाम भी लिखा हुआ हो, रवि राज की जगह पर रवि भी लिखा हुआ, राज भी लिखा हो तो बता दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड का ईएनडी वर्ल्ड भी लिखा हो तो बता दीजिए, कहीं पीओडी पे है लिखा हुआ, आप बताइए। सर मैं अग्री कर रही हूँ तो पर मैम जब एग्री कर रही हैं तो इसके आगे का काम कीजिए, आप उसको कैसे प्रूफ मान सकती हैं? सर लॉजिस्टिक टीम से हमें यही तो फाइनल मैम प्रूफ ऑफ लॉजिस्टिक डिलीवरी रिसीव किया है। लॉजिस्टिक टीम हमारा बाप है क्या? मोदी जी है जो जो बोल देगा मानना पड़ेगा लोगों को? झूठ बोल रहा है। अरे मोदी जी जो बोल देगा वो चलता है, वैसे ही आपका लॉजिस्टिक टीम हो गया क्या? कुछ भी साइन करके कुछ भी दे देगा, कुत्ता बिल्ली का तो आदमी को मानना पड़ेगा। कहीं मेरा साइन ही नहीं है तो आप कैसे उसको प्रूफ मान सकती हैं? पर सर डिजिटल ये जो शिपमेंट मैम है आपको डिजिटल का डिजिटली मतलब क्या डिलीवर्ड है। होता है मैम? डिजिटल का क्या, डिजिटल इंडिया बन गया? डिजिटल इंडिया में आदमी साइनो करना भूल गया? इतना बेवकूफ है इंसान क्या? आप किसी का कुछ भी सामान रख लीजिए और डिजिटल साइन के नाम पे एक टिक लगा के दे दीजिए। डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है मैम? अगर मैं आपको 10,000 रुपया ट्रांसफर करता हूँ तो आपके अकाउंट में 10,000 जाना चाहिए। डिजिटल इंडिया जी का ये सर, मतलब नहीं होता है कि 10,000 का एसएमएस जाएगा, अरे पैसा जाएगा। जी सर मैं समझ रही हूँ। तो मैम ये चीज समझ रही है तो आप इस चीज को वहां क्यों नहीं मेंशन कर रही हैं? आप उसको कैसे प्रूफ मान सकती हैं? पर सर यही फाइनल प्रूफ ऑफ मैम डिलीवरी कैसे, हमें मैम एक्सपेक्ट कैसे आप करना बता होगा सर। सकती हैं? कैसे मान लीजिएगा? मेरा सिग्नेचर है, प्रूफ का मतलब क्या होता है? आप कुछ भी मान लीजिएगा और सबको मानना पड़ेगा। अरे पैसा लगा है, 5-6 लाख रुपए आप लोग चोरी कर चुके हैं, कुछ तो मानना पड़ेगा वहां पे। सर मैं गेट कर रही हूँ आपका कंसर्न, पर सर हमें लॉजिस्टिक टीम से यही पीओटी रिसीव हुआ मैम है। तो आप क्यों नहीं समझ रही हैं कि वो गलत दे रहे हैं? वो अब वो गलत देंगे तो क्या मैं भी गलत को मानूं? अब गधा को कोई शेर बोलेगा तो मैं उसको शेर बोलूंगा क्या? कि गधा गधा ही होगा और चोर चोर होगा? इस चीज को एकदम क्लियर मेंशन कीजिए। इका झूठ बोल रहा है, झूठ क्या, साफ साफ दिख रहा है प्रूफ के साथ, वो खुद अपना प्रूफ दे रहा है। और नहीं तो मैं भी तो ठीक प्रूफ है सर, दिया मैं मेंशन कि मैनुअल पीओडी पे काम करते, मैनुअल का मैं फोटो भी भेजा हूँ। ठीक है सर मैं मेंशन कर देती हूँ आपका जो कंसर्न है उसमें। हाँ वो मेंशन कीजिए, इसका सॉल्यूशन दीजिए। ओके सर,